हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था, उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है, आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूँ। किसने शाप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है, हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। भगवान, ये क्या हो गया? तीर निकालने दो, तीर निकालने दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी कुमार का निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूँ। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मार कर तीन तीन हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा, वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था, वो अभागे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले, शायद वो ही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी सेवा लिखी थी।
युवराज, युवराज, मैं मर रहा हूं। तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? कर आता होगा। लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए, पानी ले आ बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है, देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है, हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटिया है। ला ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं नहीं बेटा, पहले पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पियेंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ, उसे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यार से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब यह संभव है माता। श्रवण चला गया।
चला गया, लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृ भक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द वेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में, श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे आपके लिए छोड़ कर मत जा मेरे लाल। मजा मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। तेर पुत्र मैं आ रही हूँ। श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेर डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। क्षमा तुझे? क्षमा? अरे नीच निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से तीन हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। परंतु दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर। राम कहे, राम राम।
राव गयो सुरधाम। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गए ज्योति में ज्योति। ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती, किसी किसी प्राणी।